नमस्कार किसान दोस्तों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान दोस्तों, हमारे गन्ने की फसल में इस समय रेड राट रोग काफ़ी अधिक लगता है और जिस खेत में यह रोग लग जाता है उस खेत में गन्ने को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए वैसे हमने काफ़ी उपाय इसके बारे में बताया है लेकिन वो उपाय इतने सफल नहीं है। लेकिन आज जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं और इस तरीके से अपनी फसल में काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% अपने गन्ने की फसल को रेड राट लगने से बचा सकते हैं। यदि आपके खेत में लग गया है तो आगे बढ़ने से पूरी तौर पर बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसी पर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर ले लेना है। हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर ये वही पाउडर है जिसको हम अक्सर पानी साफ आदि करने के लिए प्रयोग करते हैं या सरकारी तौर पर जो है कुएं आदि जब होते थे तो उसमें डाला जाता था जिससे पानी साफ हो जाए। तो वही ब्लीचिंग पाउडर आपको 2 किलोग्राम ले लेना है, ये 1 एकड़ के लिए प्रयोग करना है। और इसके बाद जो है आपको खेत से जो क्षतिग्रस्त पौधे हैं, रोगग्रस्त पौधे हैं, उनको खेत से काट करके आपको खेत के बाहर कर देना है। यदि आप उन पौधों को निकालते नहीं हैं तो आप इस पर अच्छी तरह रोकथाम नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको गड्ढों को खोद करके जिन पौधों में लगा है उनको खोद करके बिल्कुल जड़ सहित पौधे को निकाल देना खेत से। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन दोस्तों यदि आप ये काम कर लेते हैं तो जिन पौधों में लगा हुआ है उनको आप बाहर निकाल देंगे तो फफूंद आगे नहीं फैल पाएगी, यानी आधा काम तो आप पहले ही कर देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको जो ये गड्ढे बन जाते हैं जहाँ से हमने निकाला है पौधों को रोगग्रस्त, वहाँ पर जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें फफूंद होती है, इसलिए उस गड्ढे को खोद करके और वहाँ पर आपको ब्लीचिंग डाल देना है। ब्लीचिंग आपको लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति गड्ढे में डाल देना है जिस प्रकार से यहाँ पर डाला जा रहा है। और डालने के बाद आपको ये गड्ढा अच्छी तरह ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। नमी का होना दोस्तों ज़रूरी है, यदि नमी नहीं होती है तो ब्लीचिंग आपकी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। जो बचे हुए गन्ने हैं जिनको आपने निकाला है उसको बाहर निकाल करके आप जला सकते हैं या इसको चारा आदि में खिला सकते हैं। इसके बाद आपको एक काम और कर लेना है, यानी आपको किसी अच्छे फफूंदनाशी का छिड़काव कर देना है। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसमें आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से फफूंदनाशी जो है अच्छी तरह से काम करते हैं और ख़ासतौर से गन्ने के इस रोग में कौन से अच्छे काम करते हैं। तो उस फफूंदनाशी का भी आप छिड़काव कर दें और यदि आप ये काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने गन्ने में जहां पर ये गन्ने में रोग लगा था उसके आगे नहीं फैलेगा, जिससे आपका गन्ना बच जाएगा। क्योंकि अन्य दवाएँ जब हम प्रयोग करते हैं फिर भी उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आप जब प्रयोग करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर 1 से 2 ग्राम गड्ढों में डाल देंगे। तो क्योंकि यहीं से रोग से शुरुआत होती है और इसका जब हम प्रयोग कर देंगे तो ये पूरी तौर पर फफूंद को एकदम नष्ट कर देती है और जिससे आगे हमारे गन्ने में रोग फैलेगा नहीं। और जब रोग नहीं फैलेगा तो हम निश्चित ही जो गन्ने हमारे खेत में शेष बचे हैं उनसे भी ठीक ठाक उपज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान दोस्तों एक ब्लीचिंग पाउडर जो काफ़ी महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता मिल जाता है, आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और ब्लीचिंग का प्रयोग करना भी काफ़ी आसान है। क्योंकि जब हम छिड़काव आदि करते हैं तो काफ़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन इसको जब हम गन्ने के गड्ढे खोद रहे हों, गन्ना निकाल रहे हैं, उसी समय हम इसको डाल सकते हैं। डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बहुत जल्दी काम करता है, जिसके कारण जो है जो फफूंद होती है हमारे मिट्टी में होती है वो आगे पनप नहीं पाती, आगे बढ़ नहीं पाती है और आसानी से हम गन्ने में रोग को आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। और ये इसका रिजल्ट जो है किसान दोस्तों बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि जिन्होंने प्रयोग किया है वो उनके खेत में अब आगे रोग नहीं बढ़ा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी इसको अपनाइए और इससे फ़ायदा लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।